सामान्यतः दोनों हाथ ऐसे ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में शून्य, सामान्यतः दोनों हाथ ऐसे ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण शक्ति आपान मुद्रा में होते हैं। ये पांच उंगलियां ब्रह्मांड के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी तत्व का, सबसे छोटी कनिष्ठा कही जाती है जल तत्व का प्रतिनिधित्व। इसको अंगुष्ठ कहते हैं, इसको तर्जनी, इसको मध्यमा, इसको अनामिका, इसको कनिष्ठ। इन उंगलियों को भिन्न भिन्न प्रकार से मिला देने से भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं बनती है और उन मुद्राओं का भी हमारे तन और मन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के अग्रभाग को आपस में मिला देने से ध्यान मुद्रा मन की एकाग्रता, मन की शांति के लिए उपयुक्त है। वायु मुद्रा सभी प्रकार के वात रोगों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए उपयुक्त है। शून्य मुद्रा कर्ण रोगों के लिए, पृथ्वी मुद्रा भार की अल्पता अथवा न्यूनता, अंडरवेट या ओवरवेट होते हैं उनके लिए, वरुण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए, शक्ति मुद्रा दुर्बलता के लिए, अपान मुद्रा शरीर के विजातीय तत्वों के संतुलन के लिए, विजातीय तत्वों को बाहर निकालने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। ऐसे हाथों को एक मुद्रा विशेष में एक साथ दो मुद्राएं भी लग सकती है। हाथों को एक मुद्रा विशेष में रखते हैं। ये मैंने मुद्राओं के संदर्भ में थोड़ा सा आपको बताया।